रूम्स के बारे में कमेंट ये है कि अच्छा नींद था, अच्छा नींद ले लिया, थक गया था कल का 700 किलोमीटर, 698 किलोमीटर के बाद थक गया था तो सो गया। और रूम्स के बारे में कमेंट ये है कि ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं है, एंड रूम्स में बेडशीट भी ढंग का नहीं है, बस वही सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है। बट लोकेशन ये बहुत प्यारा है, बट यहाँ पे आने का लोकेशन बहुत मुश्किल है, और पानी गर्म पानी नहीं है, एंड बेडशीट नहीं है, रूम सर्विस नहीं है, पानी का बॉटल भी नहीं है, ठीक है, बस यही सब प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब आज हो गया है 21st of January 2020, 14वां दिन है आज, 14th डे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे, वडोदरा में है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से अभी 81 किलोमीटर्स है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे, एक थोड़ा ग्लिम्स लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक या डेढ़ घंटा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ से ड्राइव भी 1 घंटे का है, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी 1 घंटा रहेगा, एक या डेढ़ घंटा, और उसके बाद भाग जाएंगे वलसाड के लिए। आज का स्टॉप वलसाड रहेगा, तो उसके घर पे रहेगा कल सुबह बदलापुर, कल फाइनल डे ऑफ ट्रैवल। चलो मिलते हैं मोटो व्लॉग। आज का रीडिंग 5246.6, गुड। थैंक यू। अच्छा अंकल बैठे थे, ये प्रॉपर्टी का मैनेजर है, ये उसका ऑफिस है, बहुत मस्त प्रॉपर्टी भरा है, लेकिन लोकेशन थोड़ा अंदर है और मिलता नहीं है जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पहुँच गए मस्त रात को, तो बड़ी बड़ी जी मेरी, क्योंकि मैं ऐसे सुनसान रास्ते से बाहर आया। एक्चुअली ये रोड से मेरे को आना था, लेकिन मैंने आया ये वाले रोड से, मेरे को जीपीएस से वो रोड दिखा दिया, तो मैं को वो रोड मिल गया। A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Wow, 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 wow. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. पार्किंग किधर है? अबे सामान, फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी ये मेरे पीछे दिख रहा है, अगर आपको अब दिखाई दिया, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, पहुंच गए, एक 75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, कवर किया। यहाँ पे सामान रखने के लिए अंदर थोड़ा लॉकर बहुत अंदर है, तो हमें ये होटल वाले भैया जो
जो स्टैचू ऑफ अमूल का दूध का दुकान है उसके सीधा सामने उनका दुकान है। ये भैया ने हेलो किया सामान रखने के लिए, थैंक यू भैया फॉर देट। ढोकला खाना है, फ्रेश ढोकला। अरे वाह, क्या नाम है भैया? जसवंत। यशवंत? जसवंत। जसवंत, हाँ। कैसा है भाई, कैसा लगा ये इधर पहुँच के? वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप। अभी क्या पता कैसा होने वाला है आगे का, देखते हैं। टिकट के लिए लाइन काफ़ी लंबा दिख रहा है और अच्छे खासी फटी पड़ी हुई। और ये क्या है? फ्रेश ढोकला, फ्रेश ढोकला, स्टीम ढोकला, गर्म है अभी भी। मस्त है, खा के मिलता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ चल के जा रहे हैं टिकट के लिए, और एक बार स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर टिकट मिल जाए उसके बाद ब्लॉगिंग। अभी मैंने सुना, मेरे को दोस्त बोल रहा है कि ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, मेरा देखते हैं अंदर जाके मालूम पड़ जाएगा। नहीं अलाउड है तो लॉकर में रख देंगे। को स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, टिकट मिल गया है, नॉर्मल व्यूइंग टिकट ही मिला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए क्या क्या किया है यहाँ पे देखो। अब दोस्त से बात हो रहा था, दोस्त बोलने लगा कि देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए यहाँ से करीब करीब 150 क्रोकोडाइल्स को मूव किया और पानी का पूरा यहाँ पे पूरा रोड जैसा पूरा बना दिया है इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, बट नेचर को मार रहा है। नेचर को मारना सही नहीं है। एंट्री फी 150 रुपया खाली नीचे यहाँ तक, ये जो एरिया दिख रहा है बस वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके पैर की इधर तक भी आपको, पैर की इधर तक बस उसके ऊपर जाने के लिए आपके पास पैर में ये नहीं है, टिकट्स अवेलेबल नहीं है। टिकट्स ऑनलाइन भी सोल्ड आउट है, काउंटर पे भी सोल्ड आउट है, तो क्या हकीकत है ऊपर वाले को ही मालूम। एस्केलेटर है बच्चों के लिए हम और उम्र वालों के लिए, सबके लिए एक्चुअली, जिसको भी जाना है वो रूट ले सकता है, बट हमने वॉक करने का ऑप्ट किया। पानी फ्री फ्री फ्री, बॉटल का 50 रुपया, 10 रुपये का बॉटल 50 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी का म्यूजियम, अब उनके पैर की तरफ चल रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग 150 रुपया भी वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं और उनका पैर के इधर तक जा सकता है बस उतना ही है। ठीक है, नसीब 1000 रुपये का टिकट नहीं मिला, और खाली मुझे कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए 1000 रुपये देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र, अभी हम लोग नीचे के तरफ एग्जिट उतर रहे और फटाफट अभी जाना है वो दूर में हमारा गाड़ी पार्क है, सामान रखा हुआ है वहीं पे एक दुकान पे। भैया ने पैसा भी नहीं लिया, ढोकला खाया उसका, अभी उसको पैसा भी देना है, पार्किंग का कुछ देना पड़ेगा उसको, पार्किंग का नहीं सामान संभालने का। और अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से विदा निकल लेते, अभी हम लोग निकलेंगे, करीब 5 घंटे का ड्राइव है यहाँ से वापस वलसाड़। आज दोस्त के यहाँ पर रुकेगा, कल सुबह मैं घर के लिए निकलूँगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र 50-50 कुछ इतना कुछ खास नहीं लगा, नॉट ग्रेट नॉट गुड, हाँ बस एवरेज है। एक साल या डेढ़ दो साल ही हुआ है, 2 या 2.5 साल ही हुआ है इसको बने हुए, अभी से ही पूरा मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, हालत ख़राब हो गया। ठीक है, अच्छा है।
पहुँचेंगे भाई। खाने के लिए क्या करेंगे? खाने को बाहर से कुछ तो खाना पड़ेगा, इधर से नहीं खाएगा। मैंने बैग रखा नहीं ना, भूल जाएगा बाद में। पीछे के होटल वाले भैया को मेरे तरफ से स्पेशल थैंक्स, उन्होंने हमारा लगेज संभाला और कोई चार्जेस नहीं लिया। हम लोगों ने यहाँ से ढोकला खाया था, बहुत मस्त था। ढोकला खाने के बाद उनको पैसा पूछा तो बोला आने के बाद दे दो, कोई गम नहीं। और आने के बाद उन्होंने खाली ढोकला का पैसा ले रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, मेरे तरफ से 20 रुपये उनको दे दिया, उतना ही कर सकते, अच्छा आदमी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से निकले 1:10, 1:10। अब यहाँ से हमें टोटल 227 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब ये जो लेफ़्ट टर्न जो जा रहा है, लेफ़्ट यू टर्न जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ, ये आगे से जो भी अभी मेरा ये व्लॉग देखता है, ये राइडर्स को, ट्रैवलर्स को, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वाला रूट नहीं लेना। ये सीनिक व्यू बहुत अच्छा है, नर्मदा रिवर के बाजू से लेके जाता है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत लंबा जर्नी हो जाता है। Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mine. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? I, oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do? I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Turn the pussy wet by the shoulder rest with the cockatoo. What you expect? How I forget these thoughts of you? Don't need no reps, I'm in the jet, gon' fly the coop, fly the coop. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I'll be located. Oh, don't play that game. Shawty, don't play that game. इतना गंदा रास्ता मिला है ना, सच में ये ब्लॉग में ये जो वीडियो आने वाला है ना, अनएक्सप्लोर्ड गुजरात करके आना चाहिए। ऐसा रास्ता है कि रास्ता है ही नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑफ रोड ही चल रहा है। इंटरसेप्टर पे तो रॉबिन का तो हालत ही ख़राब है, बोलो ही नहीं कुछ। अभी हम लोग ने बुट्टा खाने के बाद मुश्किल से आधा घंटा गाड़ी चलाया, रास्ता इतना ख़राब, गाड़ी खींच नहीं पा रहा है और सनलाइट सीधा फेस के ऊपर। अभी और 30-40 किलोमीटर ऐसे ही रोड है। दूसरा एक रोड है वो इधर से पीछे से निकलता है, लेकिन उसके लिए भी 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने चूज़ किया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ये कोई जगह पे किम करके कोई जगह पे निकलता है और हाईवे पे हो जाते हैं। चलो मिलते हैं, फेस देख के समझ गया रहेगा हालत ख़राब है। I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Turn the pussy wet by the shoulder rest with the cockatoo. What you expect? How I forget these thoughts of you? Don't need no reps, I'm in the jet, gon' fly the coop, fly the coop. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I relocate. Oh, don't play that game. Shawty, don't play that game. I time that I relocate. I don't play that game. Shawty, don't play that game. I know my place. Shawty, I know my place. Don't play that. Shawty.
फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ हैसल्स हम लोग घर हम आ गए घर इसके घर पहुंच गए हमें 1 बजे हम लोग निकले थे 1:10 12:45 बाइक पे बैठे एक समय ना 1 बजे के करीब हम लोग निकले थे और अब बजा हुआ है करीब कितना बजा भाई और करीब 8:45 को हम लोग अभी जस्ट पहुंचे 253 किलोमीटर कवर किया है 8 घंटे में। रास्ता उतना खराब था जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से आने का जो रोड था वो लिटरली बहुत पैथेटिक है। उसको हाईवे पे कनेक्ट करने का थोड़ा डिफिकल्टी होने की वजह से उन्होंने वो जीपीएस ने कुछ अलग ही रास्ते से लेके आया। जो भी है बहुत मज़ा आया। कल मॉर्निंग यहाँ से निकलूँगा घर चला जाऊँगा। कल घर पहुँच रहा हूँ उसका खुशी बहुत ज़्यादा है। ब्लॉग एंड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एक्सप्लोरिंग फॉर पीस चैनल के साथ रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं कल लास्ट डे ऑफ जर्नी पे।